तो हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका इस न्यू वीडियो में इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं इंडिया वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच जो चौथा टी ट्वेंटी मैच होने वाला है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इन लोगों का की रिकॉर्ड कैसा है और हम लोग टीम बनाएंगे जिससे कि ग्रेनलिंग हम लोग के जिन जीतने का आसान हो जाएगा जीतने में कि हम लोग कैसे जीत सकते हैं उसके लिए हम लोग टीम बनाएंगे कि अच्छा विनिंग कर सके और हम आपको प्लेइंग इलेवन भी दिखाएंगे दोनों टीमों का इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का कि क्या प्लेइंग इलेवन होने वाला है चौथा मैच के लिए तो ये हम लोग जानेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको सभी मैचों का टीम चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जुड़ जाइएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करिएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पहले देख लेते हैं दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन क्या होने वाला है तो चलिए आपको प्लेइंग इलेवन पहले दिखा दें दोनों टीमों का तो यहाँ पे पहले ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग इलेवन देख लेते हैं कि क्या होने वाला है तो यहाँ पे ए हेली जो कि कैप्टन और विकेट कीपर है ऑस्ट्रेलिया टीम का वो है ए हेली और ओपनिंग बैट्समैन करने वाली है और बी मोनी बी मोनी और हेली दोनों ओपनिंग बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया का उसके बाद एम सी ग्रथ ई फेरी पेरी गार्डनर जी हैरिस ए स्विटरलैंड और एन कैरी ए किंग एम स्कॉट और डी ब्राउन ये प्लेइंग एलेवेन ही होने वाला है ऑस्ट्रेलिया का और यही प्लेइंग एलेवेन होगा पिछले मैच में भी यही हुआ था और इस मैच में भी यही होने वाला है शायद एक दो या चेंजेस मिल सकता है कि कोई ना खेले और इस मैच में खेले ये एन कैरी पिछले मैच में खेली है उसके पहले नहीं खेली थी और हैरिस भी नहीं खेली थी तो इसलिए आपको चेंजेस देखने को मिल जाए और बात कर ले अब इंडिया टीम का वो का कहा कि प्लेइंग एलेवन क्या होने वाला है तो हर मैच की तरह स्मृति मंदना और सफाली वर्मा दोनों ओपनर बैट्समैन हैं ये दोनों खेलेगी उसके बाद रोडिगस हरमनप्रीत कौर जो कि कैप्टन है फिलहाल इंडिया के और डी वैदना और आर घोष दीप्ति शर्मा आर यादव और ए सरवनी आर गायकवाड़ और आर सिंह तो ये प्लेइंग इलेवन होने वाला है टीम इंडिया का तो हम लोग दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन देख लिए अब यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पिच होने वाला है बैटिंग का सपोर्ट मिलने वाला है यहाँ का एवरेज उसका स्कोर जो होता है फर्स्ट इनिंग का 160 का है और हाईएस्ट है 209 और लोएस्ट दस विकेट जिस जब गिर गया था यानी ऑल आउट ये टीम हो गए थे इस ग्राउंड पे वहाँ पे छानबे रन है और यहाँ पे देख सकते हैं आठ मैच जिस ग्राउंड पे होने वाला है इस पे हुआ है जिसमें पहले बैटिंग करने वाला तीन मैच जीता है और दूसरा बैटिंग करने वाला पांच मैच यानी कि जब दूसरा सेकेंड इनिंग में जो बैटिंग करता है यानी जो बॉलिंग पहले करता है वो मैच ज़्यादा जीतता है तो यहाँ पर जो भी टच जीतेगा वो चांसेस है फील्डिंग लेने का ही तो आप उसके बॉलर या बैट्समैन ज़्यादा रखिएगा तो चलिए ये तो हम लोग देख लिए अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारा टीम होने वाला है तो चलिए हम चलते हैं ड्रीम इलेवन में और यहाँ पे देख सकते हैं ए हेली विकेट कीपर के सेक्शन में ए हेली है और आर घोष है तो यहाँ पे मैं इन दोनों में से सजेस्ट करूँगा आपको ए हेली को लेने के लिए क्योंकि आर घोष से अच्छा है हेली तो आप उनको रखिएगा अब बात कर लेते हैं हम लोग बैटिंग सेक्शन में तो बी मोनी बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है इस टी ट्वेंटी में सबसे अच्छा रिकॉर्ड इन्हीं का है ऑस्ट्रेलिया का ये ओपनर बैट्समैन है हेली के साथ में बीमोनी ओपनिंग करने आती है और सबसे अच्छा ये ओपनर बैट्समैन है इंडिया के तरफ से भी देखे जाए और ऑस्ट्रेलिया के तरफ से तो ये सबसे अच्छा है उसके बाद बात कर ले हरमनप्रीत कौर का तो इनको रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है तो हम लोग टीम में जगह नहीं देंगे स्मृति धना का रिकॉर्ड अच्छा है ये अच्छा कर रही है तो इनको हम लोग बात करेंगे कि रखेंगे हम लोग और एम गिरथ इनको भी हम लोग रखेंगे इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है पर मैच में अच्छा रन मार रही है और यहाँ पे जे रॉडी को हम लोग नहीं रखेंगे क्योंकि देख सकते हैं इनका सिर पर सिर छत्तीस पॉइंट दी है आप पॉइंट से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका रिकॉर्ड कैसा है ये तीन मैच अभी तक खेल चुके हैं लेकिन छत्तीस पॉइंट यानी कि रन बहुत ही कम मार रही है रिकॉर्ड इनका बिल्कुल अच्छा नहीं है तो इनको हम लोग नहीं रखेंगे और बात कर ले साफाली वर्मा ये भी अच्छा रिकॉर्ड है ये भी अच्छा रन मार रही है पर मैच में तो इनको भी हम लोग रखेंगे और ये पिछला मैच खेली थी जीहेरी जिसमें ये पॉइंट देख सकते हैं यहाँ उनहत्तर है इनका देख लेते हैं यहाँ पर देखिए दो मैच यहाँ पे खेली है एक मैच में यहाँ पे पच पैंसठ पॉइंट दी है यानी कि कितना रन मारी है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे एकतालीस रन मारी हुई थी पिछले मैच में तो और एक मैच में पॉइंट नहीं दी है क्योंकि उसमें रन नहीं मारी थी तो इसको भी आप अगर जगह बचता है तो आप रखिएगा नहीं तो नहीं रखिएगा चलिए बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से तो ये पिछले मैच में दो विकेट निकाली थी गार्डनर जो है और उसके पहले एक मैच में एक भी विकेट नहीं निकाली थी और इनको बैटिंग नहीं मिल रहा है सिर्फ बॉलिंग मिल रहा है तो एक ही मैच में दो विकेट निकालिए बाकी दो मैच में एक मैच में एक विकेट निकाली थी एक में जीरो तो मैं सजेस्ट करूंगा इनको आप लोग देखिएगा घर जगह बचेगा तब तो हम लोग लेंगे नहीं तो इनको भी नहीं लेंगे और दीप्ति शर्मा को तो हम लेंगे ही क्योंकि वेस्ट ऑलराउंडर है इंडिया की तरफ से और बात करें ई पीरी का इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है ये भी विकेट भी निकाल रही है और बैटिंग अगर मिलता है तो अच्छा बैटिंग भी करती है तो इनको लेना है और सुजरलैंड का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है क्योंकि हम लोग पहले मैच में इनको लिए थे लेकिन कुछ खास हम लोग को ये करके नहीं दिए तो इनको हम लोग नहीं लेंगे और बात कर लेते हैं दीप वैद्या का तो ये भी अच्छा ही रिकॉर्ड माना जाएगा इनका भी क्योंकि ये भी थोड़ा अच्छा ही खेल रही है तो इनको आप रख सकते हैं अगर टीम में जगह बचता है तो अगर टीम अगर दूसरे से भर जाता है तो हम लोग जगह नहीं देंगे लेकिन अगर जगह बचता है तो ऑलराउंडर सेक्शन से इनको भी हम लोग लेंगे तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग बॉलिंग सेक्शन से एम एस स्कॉट यहाँ पर तीन मैच अभी तक खेल ली है लेकिन इनका भी रिकॉर्ड अभी तक नहीं खुला है और ना ए सिंह का खुला है ये दोनों अच्छा नहीं रिकॉर्ड कर पा रही है तो इनको हम लोग देख लेते हैं बाद में इनको भी हम लोग सजेस्ट करूँगा कि नहीं रखिएगा और ये प्रेशर वाला पिच है तो आप लोग एम स्कॉट को रख सकते हैं और लेकिन एक किंग को आप लोग नहीं रखिएगा क्योंकि ये स्पिनर पिच नहीं है और ये स्पिनर है स्पिनर और फास्टर पहचानने का यहाँ पे दिख जाएगा आपको बॉल जहाँ पे यहाँ पे तीर जैसा ऐसे करके ऐसे बनाया है ये स्पिनर है और गोल जो बॉल ऐसा है और ऐसा करके है ये फास्टर का है तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन फास्टर है कौन स्पिनर है नहीं मालूम होगा तो और बात करें आर सिंह ठाकुर का तो इनका रिकॉर्ड अच्छा है इनको आप ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर क्या बोले विकेट नहीं गिर रहा है ज़्यादा रन लग रहा है और विकेट कम गिर रहा है तो आप लोग बैटिंग सेक्शन से और ऑलराउंडर सेक्शन से ज़्यादा लीजिएगा और बॉलिंग सेक्शन से कम लीजिएगा तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ तीन बैट्समैन तीन बॉलिंग सेक्शन से लेंगे तीन बॉलर को और बाकी हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन से और बैटिंग सेक्शन से लेंगे लेकिन तीन ही सिर्फ लेंगे हम लोग बॉलिंग सेक्शन से क्योंकि तीन तो हमको लेना ही पड़ेगा तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम एन इन कैरित का, का तो ये एक मैच खेली है जिसमें एक विकेट निकाली है आर यादव चलिए हम लोग इतना तो देख लिए अब हम लोग चलते हैं सीधा और बैटिंग सेक्शन से उधर से हम लोग बैट्समैन को सेलेक्ट करते हैं तो ए हेली को मैंने अभी लिया और अगर जगह बचेगा तो आर घोष को लेंगे लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम चलते हैं बैटिंग सेक्शन में बी मोनी और स्मृति मानधाना ग्रथ को लूंगा मैं और शफाली वर्मा को तो इतना बैट्समैन हो गया ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से दीप्ति शर्मा को ई पेरी को और एक वैद्या को ले लेते हैं और बात करते हैं इधर से बॉलिंग सेक्शन से तो एम स्कॉट को, को लेते हैं आर सिंह ठाकुर को और डी ब्राउन को क्योंकि हम लोग का बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पे टीम इंडिया का दो बॉलर हो गया है और एक बॉलिंग सेक्शन से हो गया और इधर ऑस्ट्रेलिया का दो बॉलर हो गया है और एक ऑलराउंडर यानी तीन तीन बॉलिंग और ऑलराउंडर मिलाकर हम लोग को दोनों टीमों का हो गया है ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का तो अब हम लोग इधर बैटिंग सेक्शन से देख सकते हैं तीन बैटिंग बै, बैटिंग सेक्शन से मैंने लिया है ऑस्ट्रेलिया का और दो बैट्समैन है इंडिया का अब बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन हम चूज कर लेते हैं क्योंकि हमारा टीम बन चुका है तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन का यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे कैप्टन बनाने वाला हूँ बी मोनी को क्योंकि ये दो मैच में अच्छा मारी है यानी रन अच्छा मारी है लेकिन पिछले मैच में बहुत ही ज़्यादा कम रन मारी है और आउट हो गई तो तो ये बैटिंग पिच है तो ये बहुत ही सबसे अभी बात कर ले बैट्समैन का तो सबसे अच्छा बैट्समैन है और पॉइंट दे रही है और विकेट बहुत ही कम गिर रहा है इसलिए हम लोग बैट्समैन को कैप्टन बनाएंगे और वाइस कैप्टन भी बैट्समैन को ही बनाने वाला हूँ तो वाइस कैप्टन में बनाने वाला हूँ स्मृति मानधना को स्मृति मानधना को वाइस वाइस कैप्टन और कैप्टन मैं बी मोनी के बनाने वाला हूं तो चलिए हम सेव कर लेते हैं टीम को और आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन है पे पे फिर से एक बार तो यहां पे देख सकते हैं बैटिंग सेक्शन से यहां पे विकेट कीपर में ए हेली को फिर बी मोनी जो कि कैप्टन है स्मृति मानधना वाइस कैप्टन टी एम सीगोथ सफाली वर्मा ई फेरी दीप्ति शर्मा वैद्या एम स्कॉट और आर सिंह ठाकुर और डी ब्राउन तो यही हमारा टीम होने वाला है फाइनल टीम है ये और अगर चेंजेस होता है तो आपको टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा जो भी फाइनल टीम रहेगा लाइनअप के बाद तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाय जय हिंद